रिक्वायरमेंट अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग होती है, वो मैंने आपको बताया था, पर अमूमन आप सब लोगों को 3 से 4 हफ्ते तक ये बेल्ट का प्रयोग करना है, 3 से 4 वीक्स तक ये जो बेल्ट है ये आपको पहन कर रखना है। बेल्ट निकाल के बीच में घुटना घुटने को मोड़ने की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पंजा हिलाने की एक्सरसाइज वो आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। ऑपरेशन हुआ है ये सोच के बेड पे नहीं रहना है आपको, बिस्तर पे नहीं रहना है, हमको एक्टिव रहना है, चलना फिरना है, जितना हम चलेंगे फिरेंगे रिकवरी उतनी ही अच्छी होगी। तो पंजा हिलाने की एक्सरसाइज हमको रेगुलर चालू रखनी है, ये वाली एक्सरसाइज जो है जैसे मैडम ने आपको बताया होगा वो एक्सरसाइज आपको चालू रखनी है हमेशा। घुटना दबाने की एक्सरसाइज वो आपको चालू रखनी है, घुटना दबाने की एक्सरसाइज, नी प्रेस करने की एक्सरसाइज जो है वो आपको कंटिन्यूसली चालू रखनी है, ठीक है। घुटना मोड़ने की बिस्तर पर लेट के एक्सरसाइज आप धीरे धीरे अपने अनुसार स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे आपने घुटना दबाया 10 तक गिना फिर छोड़ा, तो घुटना दबाया 10 तक गिना फिर छोड़ा, वो एक बेसिक एक्सरसाइज है। और बेड पे लेट के घुटना मोड़ने की हल्की हल्की एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हो। वेट बेयरिंग मतलब घुटने पे वजन डालना, वो हर मरीज में थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा, पर बाय एंड लार्ज जो है हम जो है 2 से 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में घुटने पर वजन डालना स्टार्ट कर सकते हैं। आमतौर पर 3 से 4 हफ्ते का टाइम वो होता है जब आपको बेल्ट छूट जाना चाहिए, ठीक है। 3 से 4 हफ्ते के टाइम पर बेल्ट छूट जाना चाहिए और आप नॉर्मल अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हो। अगर खेलना कूदना दौड़ना भागना है तो वो काम अपन 3 से 4 हफ्ते के बाद धीमे धीमे स्टार्ट करेंगे, पर एक्चुअल अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है तो 3 महीने के आसपास 4 महीने के आसपास आप स्पोर्ट्स खेल पाओगे, भाग पाओगे, दौड़ोगे, बाकी सारा काम कर पाओगे, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप बैठे हो तो बैठ के आपको गहरे गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, घर में भी आप बैठे हो रिकवरी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ये आपको ये मान के चल रहा है कि आपको बेड रेस्ट है। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट ऑफ रिकवरी में, गहरी गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करना है आपको, ठीक है ना। सोना बैठना उठना करवट लेना वो सब की छूट है, उसमें कोई तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जो अंदर वाली ड्रेसिंग है वो यूजुअली 2 से 3 दिन में एक बार हो जाएगी, और फिर जो टाके निकलने का समय है वो 2 हफ्ते के लिए आप सब लोगों के लिए फिक्स रहेगा। तो 2 हफ्ते के बाद, उससे जल्दी नहीं निकलना है, उससे लेट अपन जो टाके हैं वो टाके अपन 2 हफ्ते के बाद जो है वो निकल सकते हैं, ठीक है। अब आपको कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, तो उसका जवाब भी दे देंगे, मैडम भी दोनों तरफ से आप हैं तो वो भी दे देंगे, और उसके बाद हम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करेंगे। और हमारा पर्पज बेसिकली इस मीटिंग का ये है कि हम सब साथ मिलकर रिकवरी करें, तो आपको ऐसा नहीं लगे बंदे के लिए अकेला और उसकी सर्जरी हुई। We are all together and we will work together कि हम सब साथ मिलके इस चीज को आगे बढ़ाएं और अपनी रिकवरी में हेल्प करें। फैट कौन डाइट पर से अपन रखवानो गेम में मार। हमारे केस में आप पाटो जो छे एप्रोक्सीमेटली 3 अठवाड़े सुधी रह सकते, 3 अठवाड़े पर से तुम पाटो काढ़ी सको छो, रहना पर से चल सको। ताका बे अठवाड़े में काटवाना छे, तो पाटो 3 अठवाड़े रहो। एक्सरसाइज ત્યાં સુધી ચાલુ રાખવાની છે, પગ વાળવાની એક્સરસાઇઝ, ઘૂંટણ કાઢવાની એક્સરસાઇઝ તમે 5 દિવસ પછી કરજો, જો તમારો દુખાવો ઓછો થઈ જાય પછી પગ વાળવાની એક્સરસાઇઝ ચાલુ કરજો। નો પૂછો તો કરવટ કબ સે બદલના છે? આજ સે કરવટ કો બદલો, આપ ચાલ ફી સકતે હો, કરવટ બદલ સકતે હો, કામ કર સકતે હો, બેઠ સકતે હો, ઉસે વો સારા કામ આ સે ફ્લેટ ફોટો ફોટો બોલ દો। आप तो सो सकते हो, करवट ले सकते हो, आप करवट ले सकते हो, टर्न ले सकते हो, जैसा रखना अपने सपोर्ट के लिए रख सकते हो, बाकी नॉर्मल आपका सब काम होता है। तो रख सकते हो, बाकी कोई जरूरी नहीं है, आप सारा काम कर सकते हो। ड्रेसिंग के बाद आप नॉर्मली 3 से 4 दिन पर निकाल सकते हो, और उसका हम छोटी ड्रेसिंग कर सकते हैं 2 से 3 दिन में, हमने 3 से 4 दिन में ड्रेसिंग करके फिर आप नॉर्मली छोटा ड्रेसिंग करके वाला पट्टा रख सकते हो। कई बार क्या होता है जो पट्टा होता है ना ये आपकी स्किन पे इरिटेट कर सकता है, जैसे इन्होंने पहन रखा है पजामे के ऊपर पहन लो उसको तो बेहतर है। कॉटन लगा लो ये सबसे अच्छा होता है, मैं रिकमेंड करता हूँ क्या पजामा पहन लो और पजामे के ऊपर पट्टा, क्योंकि क्या होता है कई बार ये स्किन को इरिटेट कर सकता है, स्किन में थोड़ा रेडिश है सर। खाने पीने में आप सब खा सकते हो, महत्वपूर्ण चीज ये है कि खाने पीने में आपकी डाइट जो है वो कैल्शियम और प्रोटीन रिच होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि खाने पीने में आपको दूध, दूध से बने पदार्थ, पनीर, छाछ, दूध, मक्खन ये सब ज़्यादा लेना है, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, बादाम अगर ये ज़्यादा ले सकते हैं तो लेना है, सोयाबीन लेना है। बाजार में रेडीमेड प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जैसे प्रोटीन 100 ग्राम का बिस्कुट हो गया, वो भी आप ले सकते हो। तो प्रोटीन डाइट जितनी ज़्यादा लोगे आप उतनी रिकवरी आप लोगों की फास्ट होगी। और खाने पीने में जो आप रेगुलर घर पर खाते हो सब खा ही सकते हो, पर अच्छा डाइट लेना, हेल्दी डाइट लेना,
तो प्रोटीन रिच कैल्शियम रिच डाइट आपको ज्यादा है, जैसे घूम पे बैठ सकते हो तो उससे विटामिन डी मिलेगा वो अच्छा है, तो उसके बाद आप बाहर घूम पे बैठे छत पे बैठ सकते हो। देखो आपके केस में हमारी तरफ से खाने का कोई परहेज या रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो भी खाने में अच्छा लगता है आप ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है हेल्दी डाइट आप ले सकते हो। नॉर्मली मैं ये सब कहता हूँ जैसे दालें होगी वो आपके लिए बहुत अच्छी है, मूंगफली आपके लिए बहुत अच्छी है, अंकुरित अनाज आप ले रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, उस तरह की चीजें आपको ज्यादा से खाने में खा सकते हो, मनाही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे खट्टा दूध जो है पर तो आपकी इच्छा है, पर हमारी तरफ से मेडिकली कोई मना नहीं है, आपको लेना है तो ले सकते हो। सूजन जो है अभी आपको चोट लगा है तो उसके कारण है और इंजरी थी उसके कारण सूजन आएगी, पर रिकवरी आपकी अब अच्छी होगी, इस सर्जरी के बाद रिकवरी आपकी कंफर्टेबल हो जाएगी, कॉमन सर्विस होगा तो इस दिक्कत वाली बात या बढ़ाने वाली बात। अच्छा इंपॉर्टेंट है, हमने आपको सप्लीमेंट्स दिए हैं ऑपरेशन के बाद, तो कैल्शियम की दवाई एक सुप्रागेल करके दवाई है वो एक महीने तक आपको रेगुलर लेनी है, एक विटामिन डी की टैबलेट है वो हफ्ते में एक बार, प्राइस जी थ्री सनप्लेस करके विटामिन डी की टैबलेट आएगी वो आपको हफ्ते में एक बार रेगुलर चालू रखनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। पेन की दवाई में आपको दो मेडिसिन दी है, डोलोकाइन प्लस दिया है, अल्ट्रासेट दिया है, डोलोकाइन प्लस रेगुलर टैबलेट है वो दिन में दो बार खाना खाने के बाद ले सकते हो, अगर किसी दिन दर्द ज्यादा है तो अल्ट्रासेट ले सकते हो, अल्ट्रासेट दिन में दो से तीन बार ले सकते हो, अगर एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम होती है तो एक अल्बान डी एसा करके टैबलेट दिया हुआ है वो आपको ले लिया, उसके साथ साथ आप सभी लोगों को एंटीबायोटिक दिया हुआ थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, पर एंटीबायोटिक की टैबलेट नॉर्मली 5 से 10 दिन का वो बेसिकली इसलिए होता है कि आपका जो प्रोटेक्शन है तो वो 5 से 10 दिन तक एंटीबायोटिक लेंगे, तो अदरवाइज जो पेन की दवाई है वो 10 से 15 दिन लेने की जरूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द पेन, अगर आपको ऐसा लगता है कि पेन ठीक हो गया है तो जो पेन की दवाई है वो अपन धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं। तो इनिशियली पहला दिन है आपका क्योंकि कल ही आपकी सर्जरी हुई तो पहले दिन थोड़ा कलवट लेना मुश्किल होगा, पर हमारी तरफ से मना ही नहीं है, आपको लेना है तो ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली हमारे मन में क्या रहता है डर रहता है, डर ये रहता है कि कलवट ले लूंगी कुछ हो गया घुटना हो गया तो क्या हो जाएगा, वो कुछ होना नहीं, हमने आपको बेल्ट दे ही रखा है और आपको कॉन्फिडेंस बेसिकली अपने मन में रखना है कि आप कर पाओगे, अगर आपने कॉन्फिडेंस अच्छे से रखा तो ये सारा काम आप कर पाओगे। आपकी गद्दी रिपेयर हुई है 3 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के 3 हफ्ते तक सपोर्टेड वॉकिंग रहेगी, पूरी बॉडी का वजन है ना हल्का टच हो गया तो कोई दुबारा, और वैसे बेल्ट पहन रखा है तो बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जस्ट हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखते हुए 3 हफ्ते का, क्योंकि आपका क्या है बकेट हैंडल के बकेट हैंडल दिया तो हमने रिड्यूस करके स्टिचेस के साथ किया तो वो इशू उसको बचाने के लिए हम थोड़ा वेट भी इन्वेस्ट करते हैं। हार्ड वर्क आइडियली आप 2 हफ्ते 2 महीने के बाद कर पाओगे, जिमिंग वगैरह आइडियली 3 महीने के साथ थोड़ा सा प्रिकॉशन रख के करें तो बेटर, 3 से 3 to 4 months के बाद आप हार्ड वर्क वगैरह कर आपके केस में क्योंकि आपका रिवीजन सर्जरी है तो आपको 4 हफ्ते मिनिमम आएगा, 4 हफ्ते के बाद आपके बैंक निकाल सकते हो और 4 हफ्ते के बाद आप नॉर्मल चलना फिरना शुरू करोगे, आपको क्योंकि रिवीजन सर्जरी है तो हम 6 महीने का टाइम देंगे, 6 महीने के बाद आप खेलना कूदना दौड़ना बंद कर सकते हो 6 months के बाद, क्योंकि रिवीजन सर्जरी होती है तो हम नॉर्मल सर्जरी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती इसीलिए वो ज़्यादा लिया जाता है, फर्स्ट सर्जरी में हम लोग वही रिकमेंड करते हैं, सेकंड सर्जरी में क्योंकि वो यूज हो चुका होता है तो फिर हम एंटर से करा सकते या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये कि दूसरे घूमने से करा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप चले फिरे वापस इंजरी हो गई आपको वापस गिर गए उसके कारण से आपका काम नहीं यूजुअली रिक्वायरमेंट नहीं आती है नॉर्मली आप एक्सरसाइज करते हैं अच्छे से आप फिजियोथेरेपी करोगे एक्सरसाइज करोगे और वजन कम करना है ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपका वजन कंट्रोल में रहे मेरा नाम प्रदीप बनेरे है मैं उदयपुर से हूँ मैं एडवोकेट हूँ और मैं हर साल एडवोकेट फीमेल की चलती है तो 3 साल पहले भी जब मैं बोलिंग कर रहा था तो उस समय मेरे राइट शोल्डर में इंजरी हो गई थी उस समय भी मैं सर के पास आया था तो उस समय मैं बॉर्डर पे था कि ऑपरेशन हो भी सकता और नहीं भी सकता
और सर ने उस समय मुझे एक्सरसाइज करवा के नी ब्रेक वगैरह देके और मैं रिकवर हो गया था। अब ये लेटेस्ट वापस इनके लिए इंजरी हुई मैंने उसको मेरे चला गया और दादी भी बढ़ गई। तो यहाँ पर आने से पहले मैंने उधर यहाँ अहमदाबाद के सबसे जितने भी टॉप के हैं मैं सबके पास गया। सर ने एक चीज़ बोली पर सर ने एक स्पेशल चीज़ ज़रूर बोली थी, मतलब मेरा मकसद ही नहीं था यहाँ आने का, क्योंकि मैं तो हमारे वहाँ जब वकील बोलते हैं वहाँ चला जा वहाँ चला जा, सबकी अलग अलग साइकोलॉजी होती है। तो सब ने वही की बोला था कि ए सी ऑपरेशन हो जाएगा, दूरबीन हो जाएगा और इतना अमाउंट लगेगा, मतलब सब चीज़ें इक्वल सेम थी। तो यहाँ पर आने के बाद सर ने एक स्पेशल चीज़ बोली थी कि भाई जो गादी होती है ना वो 99% यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल है वो लोग उसको काट के निकालते, सर ने उसको स्पेशली उसको टाके से इंजेक्ट करके, क्योंकि उसके इम्प्लांट थोड़े महंगे आते हैं और वो करके करके मेरे लिए वो अभी बात है बहुत अच्छा हो गया, आदमी मैं खुश हूँ, मैं सही जगह आया आपकी सर्जरी सबसे छोटी सर्जरी सबसे माइनर सर्जरी आपकी इनकी, आप सबसे मुकाबले मेजर सर्जरी है, तो आपको इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस रखना है, हिम्मत रखनी है। अगर आप हिम्मत रखोगे तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी और बहुत स्मूथ होगी, ठीक है। सिर्फ 3 हफ्ते आपको जो है वजन नहीं डालना है, अदरवाइज आप सब कुछ कर सकते हो, अच्छी रिकवरी होगी, चिंता वाली कोई बात नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना है, हिम्मत रखनी है, अगर आप हिम्मत अच्छे से रखोगे तो यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, ठीक है। रेखा बहन बोलो बोलो, मैं तो बहुत जूना रिलेशन बन गया, बोलो પેલે બોલ ગૂગલ માં ના ના કોઈ ને તમાર ના કોઈ તો કેવું છે એમને અત્યારે સરસ છે બધું કરે છે આતી બધું કરે છે તમારા કેસમાં લિગામેન્ટની સર્જરી હતી બીજું કંઈ છે નથી તો ફાસ્ટ રિકવરી થશે બે અઠવાડિયામાં તમે નોર્મલ ચાલી ફરી શકો છો વજન પર મૂકી શકો છો ચિંતા જેવું નથી રિકવરી ફાસ્ટ થશે બે અઠવાડિયામાં ટાકા કાઢી દેજો દેવાના છે 3 અઠવાડિયામાં પછી ચાલી શકો છો વજન પર મૂકી શકો છો એક જ લિગામેન્ટ સારું છે અને ફાસ્ટ રિકવરી થશે એમનો ક્યાં કર્યો હતો